यहाँ पे आ गए काफी, तो आप क्या कहेंगे जो लाइक को लेकर? जी सर, मैं मेरा नाम खुर्शीद हुसैन है, मैं सबका सरपंच हूँ धड़ा डना दखना का। आज वो दो पंचायतें होगी तो मैंने सरपंच इलेक्शन लड़ा नहीं पिछली बार। बात यह है कि सर हमारी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी हमारे एरिए की। मेन प्रॉब्लम आज की डेट में हमारी ये चल रही है कि 10 दिन से बिजली का चुलमुचुला चल रहा है, कभी रात को 10 बजे के बाद देते हैं और दिन में कोई बिजली नहीं है। गर्मी है, गर्मी में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और गर्मी में बुरा हाल हो रहा है, तो बिजली बिल्कुल नहीं है। किराया इनका 100-120 था, आज इन्होंने 400 रुपया कर दिया है। जैसा किराया 400 कर दिया, बिजली आई नहीं है। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी हमारी समस्या ये है कि हमारी ये रोडें जो निकली हैं 4-6-6 साल 8-9-9 साल पिछली लोगों की, 2013 में निकाली थी हमारी एक रोड है त्रिचल टू लैंक रोड, भागा रोड लैंक टू शहीद मजफ हुसैन शाह कनाल। वो रोड 2013 में इन्होंने 1 करोड़ कुछ समथिंग पैसा लगा रखा है उस पर, जिसके ऊपर आज घोड़े भी उसके ऊपर बजरी लेके नहीं चल सकते, लोगों की ज़मीनें ख़त्म हो गई। उसमें फंड आता है, पता नहीं कहाँ निकलता है, क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे DC साहब अच्छे आदमी आए हैं, अच्छे आदमी हैं, तो हाँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि DC साहब इसको हमारी रोड का ये देख के और हमारा इसका कुछ हल किया, क्योंकि आज आज़ाद हमें रोडों की मुसीबत है। दूसरा पानी जो है, लिफ्ट स्कीम हमारी बड़ी दराज अरसे से चल रही थी, लेकिन ना तो इसमें कोई सिस्टम है, ना पानी चढ़ाने का सिस्टम है, ना आगे बचाने का सिस्टम है। अब ये पता नहीं कोई और कोई कंपनी आ रही है, कुछ नहीं लगा रहे हैं, कोई समझ नहीं क्या, और पानी की बहुत खस्ता हाल है। एक हमारे यहाँ सातरा में शाह हुसैन साहब के मकान के सामने ब्रिज का काम था रोड पे, चार साल पहले वो आया था, अभी तक वो लगा नहीं है, ना उसका कोई काम स्टार्ट हुआ है। दूसरा हमारा ये सातरा मार्केट है, सातरा मार्केट में हमारा कोई नाली नहीं है बाजार में, आप देख सकते हो इधर लगाइए, जब पानी आता है तो बुरा हाल हो जाता है, दुकानों के अंदर चली जाती है बरसात का पानी और पूरा गंद पड़ जाता है अंदर, और कोई नाली नहीं है। लुक डलती है तो वो बीच में दो दिन डालते हैं, तीसरे दिन उसका उठ जाता है बीच में से, पता नहीं क्या करते हैं। तो पूरी रोडें हमारी जो है डैमेज ख़त्म है, तो इसलिए मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये थोड़ा हमारा ध्यान में रख के हमारा इसका मसला हल कराएं। दूसरा मेन एक चीज़ हो रहा है सर, जो ये मुगल रोड का काम अब दोबारा शुरू हो रखा है जो चल रहा है, इसके अंदर लोगों की ज़मीनें और लोगों के मकान, काफ़ी मकान बीच में आ गए इसकी जड़ में, कोई अभी तक वो कंपनी ना तो इसका कोई मुआवजा बनवा रही है लोगों का, ना कोई भ्रष्टाचार लगा रही है, कुछ नहीं, और लोगों की ज़मीन टूट के बुरा हाल हो रखा है। तो मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको बोलिए कि जिन लोगों की ज़मीन मकान आ रहे हैं बीच में, एक मकान है मेरा वो सामने केरी के इस साइड, और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, नीचे से इतना खोदा, ऊपर से स्लाइडिंग आई, मेरा मकान रोड से 100 मीटर ऊपर था, मकान पूरा डैमेज हो गया, अभी तक कोई नहीं पूछ रहा, कोई मुआवजा कुछ नहीं। तो हम गरीब लोग कहाँ जाएं, किससे मांगें? तो मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी इन चीज़ों पे ध्यान करके हमारा इस चीज़ का कोई ना कोई हल करें।